गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पार्ट 19 स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 94 खोलेंगे। पेज नंबर 94 में आपको दिया है पार्ट 19, सूर्य का परिवार। ठीक है, सब सब अपनी बुक में ये लेसन खोलेंगे, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। दिल्ली, 10 जनवरी 2012। प्रिय सक्षम, इसमें एक जो यह आपको पार्ट दिया गया है, इसमें दोस्त ने अपने मित्र को, मतलब एक मित्र को, सक्षम को क्या लिखा है, पत्र लिखा है, और पत्र के द्वारा उसे सूर्य के परिवार के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो यह पत्र किसे लिखा गया है? सक्षम को लिखा गया है। कब लिखा गया? 10 जनवरी 2012 को यह पत्र लिखा गया। मुझे क्रिसमस पर तुम्हारा बधाई पत्र मिला, पढ़कर बहुत अच्छा लगा। अब परीक्षा दूर नहीं है, ठीक से पढ़ना। आज कक्षा में हमें सूर्य के परिवार के बारे में पढ़ाया गया था, मैं तुम्हें भी इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बोला उसने? उसने बोला कि क्रिसमस में जो तुमने मुझे पत्र भेजा था, बधाई पत्र भेजा था, वो मुझे मिला, पढ़कर मुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और अब हमारी जो परीक्षा है वो ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम क्या करोगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे। फिर उसने पत्र में आगे उसे बताया कि आज उसी कक्षा में उसे क्या पढ़ाया गया, सूर्य के परिवार के बारे में पढ़ाया गया है। तो इसलिए मैं सूर्य के परिवार के बारे में तुम्हें भी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो क्या जानकारी दी उसने सक्षम को? दिन का उजाला फैलाने वाले सूर्य का परिवार बहुत बड़ा है, इसमें सूर्य के अलावा 8 सदस्य और हैं। सूर्य परिवार के 8 सदस्य ग्रह कहलाते हैं। क्या उसने बताया? उसने बताया कि जो दिन का उजाला जो सूर्य से फैलता है, उस सूर्य का जो परिवार है वो कैसा है? बहुत ही बड़ा है। और जो इसके परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। इन 8 सदस्यों को क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। इनके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनमें बुध आकार में सबसे छोटा है, तो आकार यानी साइज में छोटा कौन है? बुध छोटा है, जबकि बृहस्पति सबसे बड़ा है। बुध सूर्य के सबसे निकट है और वरुण सबसे दूर है। क्या बताया है इसमें? इसमें बताया है कि जो बुध है, जिसका आकार सबसे छोटा है, वो सूर्य के सबसे निकट पाया जाता है, और वरुण कहाँ पाया जाता है? सूर्य से सबसे दूरी पे पाया जाता है। शनि के चारों ओर रंग बिरंगे छल्ले बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। जो शनि जो सदस्य है, जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह है, उसके आसपास क्या है? एक छल्ले है, रंग बिरंगे एक छल्ले टाइप का एक साइज बना हुआ, जो देखने में कैसा दिखाई देता है? बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। सूर्य परिवार के सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इनका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमा करना कहलाता है। क्या कहा गया है? कि सूर्य के जितने भी सदस्य हैं, 8 सदस्य सूर्य के परिवार में, ये क्या करते हैं? सूर्य के आसपास क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, और अपनी कक्षा में भी चक्कर लगाते हैं। और इस चक्कर को लगाना क्या कहा जाता है? परिक्रमा कहा जाता है। इन्हें ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लगातार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह क्यों कहते हैं? ग्रह इसलिए कहा जाता है इन सारे सदस्यों को क्योंकि ये क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा लगातार करते रहते हैं। फिर क्या उसने बताया है? फिर बताया गया है कि सक्षम, मैडम ने हमें आश्चर्य में डालने वाली एक बात यह बताई कि 24 अगस्त 2006 तक सूर्य परिवार में 9 ग्रह थे। क्या बताया उसने? उसने आगे सक्षम को बताया कि सक्षम, हमें हमारी जो मैडम है, जो उनको पढ़ा रही थी, उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह बताई कि 2006 तक हमारे जो सूर्य का जो परिवार है उसमें कितने सदस्य थे? 9 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब केवल कितने सदस्य रह गए हैं? 8 सदस्य रह गए हैं। प्लूटो को खगोलविदों ने सूर्य परिवार से अलग कर दिया। प्लूटो नामक ग्रह था जो 9वां ग्रह था, 9वां सदस्य था सूर्य के परिवार का, अब उसको क्या किया गया है? सूर्य के परिवार से अलग कर दिया गया है। हमने मैडम से पूछा कि प्लूटो को सूर्य के परिवार से क्यों अलग कर दिया गया। मैडम ने हमें बताया कि जितना भारी प्लूटो है उससे 27% अधिक भारी तो एरेस है। एरेस को बोना ग्रह कहा जाता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय शोध संस्थान ने प्लूटो को भी बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। वर्तमान में सूर्य परिवार या सौरमंडल में 8 ग्रह और 3 बोने ग्रह हैं। क्या बताया उसने? बताया कि जब बच्चों ने उनकी मैडम से पूछा कि प्लूटो को हमारे सूर्य के परिवार से क्यों अलग कर दिया गया, तो मैडम ने उनको उत्तर दिया कि प्लूटो का जो वजन है उससे ज्यादा वजन तो
एक बौना ग्रह है जिसका नाम एरेस है, उसका 27% ज्यादा वजन है, इसलिए उसको प्लूटो को भी क्या घोषित कर दिया गया, बौना ग्रह घोषित कर दिया गया, इसलिए उसे ग्रहों से अलग करके बौना ग्रह नाम दे दिया गया। इसलिए अब जो सूर्य का परिवार है उसमें 8 सदस्य यानी 8 ग्रह और 3 बौने ग्रह हैं, जो है एरेस, प्लूटो और सीरस। केवल हमारी पृथ्वी पर नहीं बल्कि सूर्य परिवार के सभी ग्रहों पर दिन रात होते हैं। क्या बताया इसमें, जिस तरह से हमारी पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार जितने भी सदस्य हैं, जितने भी ग्रह हैं सूर्य के परिवार में, सभी में दिन रात होते हैं। लेकिन तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जीवन केवल हमारी पृथ्वी पर ही है। क्या आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात यह है कि इन सभी 8 ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन क्या है, क्या है, जीवन यहाँ पे संभव है। सूर्य इस परिवार का मुखिया है। यह आग का गोला सभी सदस्यों को प्रकाश और ऊर्जा देता है। सूर्य आकार में भी सबसे बड़ा है, तो सूर्य जो है वो इन सभी सदस्यों में क्या है, सबसे बड़ा है। इसलिए सदस्यों में क्या कहा जाता है, इसे मुखिया कहा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, सभी ग्रहों को प्रकाश यानी रोशनी ऊर्जा प्रदान करता है। और क्योंकि सूर्य आकार में सबसे बड़ा भी है इसलिए इसे मुखिया कहा जाता है। अंत में मैडम ने कहा कि सूर्य परिवार की जानकारी तो बहुत बड़ी है, इसके बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से जानेंगे। सूर्य परिवार की इस जानकारी को तुम ठीक से समझकर याद कर लेना, हो सकता है कि परीक्षा में तुम्हारे काम आ जाए। फिर उसने क्या लिखा अंत में, तो उसने अपने पत्र के अंत में लिखा कि जो हमारे जो मैडम है उन्होंने हमें बताया कि सूर्य के परिवार के बारे में अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो ये बहुत ही बड़ा पाठ है, तो इसके बारे में मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगी। तो हमको जब अगली कक्षा में और चीज़ें इसके बारे में बताई जाएंगी तो मैं तुम्हें पत्र के द्वारा और जानकारी दूंगा। अभी के लिए तुमको जितनी जानकारी मैंने दी है तुम इसे याद कर लेना, हो सकता है तुम्हारी परीक्षा में ये सारी चीज़ें पूछी जाएं। बाद में उसने कहा कि अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारी बहन संस्कृति। क्या बोला उसने, उसने बोला कि मम्मी पापा को मेरा प्रणाम कहना। और किसने ये पत्र लिखा है, सक्षम की बहन संस्कृति ने उसे यह पत्र लिखा था और उसमें पूरी जानकारी दी किस तरह से सूर्य का परिवार जो है वो 8 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से बुध जो है सबसे छोटा ग्रह और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी जानकारी उसने अपने भाई को पत्र के द्वारा दी। ठीक है, तो यह था आपका पाठ 19 सूर्य का परिवार, जिसमें सूर्य के बारे में आपको सूर्य और सूर्य के परिवार के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ हम अगली कक्षा में करेंगे। आज का आपका होमवर्क यह है कि आपको यह पाठ घर में पढ़ना है, यह आपका आज का होमवर्क है।